हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2020 के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, आपकी एज के बारे में कि आप किस एज में एग्ज़ाम दे सकते हो, किस एज में नहीं दे सकते। उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। कोड को लेकर बहुत बच्चों को डाउट है कि कौन सा कोड फिल करना है, तो आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। बिना किसी आपकी कन्फ्यूज़न के सब क्लियर हो जाएगी, आपकी कन्फ्यूज़न जो भी है आपको, वो कल तक या शाम तक आपको उसकी भी वीडियो एक सेपरेटली मैं उस पर बनाऊँगी, वो आपको मिल जाएगी। अभी बात करते हैं हम एज की। एज को लेकर बहुत बच्चों को डाउट है कि भाई एज हमारी अभी 17 इयर्स नहीं हुई है, अभी हम 16.5 साल के हैं या फिर हम 25 साल के हो चुके हैं तो हम नीट दे सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं। तो उसको देखिए, सुनिए ध्यान से, मेरी बात को आपने सुनना है। और जो भी आपके जानने वाले नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2020 में, आपने को उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है, क्या पता उनके कुछ काम आ जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चे फॉर्म फिल भी कर देते हैं तब भी उनके मन में कन्फ्यूज़न रह जाता है और वो उसी बात से परेशान डिप्रेस रह के पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बात आपने अच्छे से सुननी है, समझनी है और दूसरों को भी बतानी है। देखिए, अगर आपकी एज जो है 16 साल या 16.5 साल, इस वक्त जो भी है ये मैटर नहीं करता, इस वक्त जो भी है, लेकिन आपकी एज 2020 31 दिसंबर तक, मतलब सन 2020 के में अंदर आपकी जो 31 दिसंबर तक एज होना हो जानी चाहिए, वो कम से कम 17 साल तक हो जानी चाहिए। ये ज़रूरी है, ये क्राइटेरिया ज़रूरी है कि आपकी एज जो है 31 दिसंबर तक 2020 में हो जानी चाहिए। अभी आप फॉर्म फिल करते हैं उस वक्त कितनी है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर तक आपकी वो एज कंप्लीट हो जानी चाहिए, 17 ईयर्स हो जानी चाहिए, आप 17 साल के हो जाने चाहिए, ये कंपल्सन है, ठीक है? अब देखिए दूसरी बात कि अगर हमारी एज 25 ईयर है या 25 ईयर से अबव है या एग्ज़ाम तक 25 ईयर हो जाएगी या होने वाली है, ऐसा कुछ भी है, तो उसमें भी आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने एग्ज़ाम देना है, फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये जो डिसीजन है ये अभी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया है, ये जो मामला है ये पेंडिंग है कोर्ट में, तो अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है कि होना चाहिए ऐसा या नहीं होना चाहिए। और कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो लंबे चलते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आ जाए उसका डिसीजन, बाद में ही आएगा कहीं जाकर। अगर 2020 में आपके एग्जाम देने के बाद भी आता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 21 में आता है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट पीछे के जो फैसले होते हैं उनको बदल सकती है, वो तभी नियम लागू कर सकती है, पीछे अगर आपका एडमिशन हो गया है तो वो उसको नहीं हटा सकती। तो आपने ये टेंशन भी नहीं लेनी है, आपकी जो भी है आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने अब इस साल एग्ज़ाम को देना है, एज के बारे में नहीं सोचना है। ध्यान में आई, समझ में आई आपकी ये बात, मैंने क्या कहा आपने ध्यान से सुना ना, कि आपकी एज जो भी है, अगर आपकी एज कम है तो 31 दिसंबर तक सन 2020 में आपकी एज जो है वो हो जानी चाहिए 17 साल, और आपकी एज 25 है, होने वाली है या हो चुकी है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो डिसीजन छोड़ रखा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उनका डिसीजन आने के बाद ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, तो उससे पहले आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और अभी तो आने वाला नहीं है, तो इस बात से आप निश्चिंत रहिए। आपके एग्ज़ाम देने के बाद भी आता है तो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे जाके उस डिसीजन को बदला जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर से ही लागू होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने एग्ज़ाम देना है बिना किसी स्ट्रेस के, बिना कुछ सोचे। और जहाँ तक रही है आप कोड की बात, बहुत सारे बच्चे कोड को लेकर कन्फ्यूज़न में है कि कौन सा कोड डालना है, क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं आज शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी या कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए।